नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ताज़ा बड़ी खबर आ रही है भारत और इंग्लैंड के चौथे टेस्ट मैच को लेकर। आज चौथे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली के द्वारा बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की गई है। यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की अच्छी धुलाई कर दी है और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुँच गई है। रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करके सहवाग और सचिन को काफी पीछे छोड़ दिया है। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इंग्लैंड के खिलाफ है सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा अपने रंग में नजर आए और करियर का 8वां टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 153 रन जोड़े। पुजारा ने भी 61 रनों की शानदार पारी खेली। चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन बना लिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक विराट कोहली ने 22, ऑलराउंडर रविंदर जडेजा ने 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। भारत के पास अब 171 रनों की बढ़त हो गई है। रोहित शर्मा के शतक के बाद वीरेंद्र सहवाग सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। दरअसल रोहित शर्मा ने छक्के से अपना शतक पूरा किया। जब रोहित शर्मा 95 रन पर थे तो उन्होंने मोइन अली की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिक्स जड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस रोहित शर्मा की तुलना वीरेंद्र सहवाग से करने लगे। सबका मानना था कि रोहित शर्मा ने वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में अपना शतक पूरा किया है, लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा छक्के से शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग से काफी आगे हैं। रोहित शर्मा ने सभी फॉर्मेट में अपने शतक और दोहरे शतक 10 बार छक्का लगाकर पूरे किए। कोई और भारतीय रोहित शर्मा के करीब भी नहीं है। सचिन ने 6 बार शतक छक्के से पूरा किया, लेकिन ये सभी टेस्ट फॉर्मेट में है। सहवाग ने अपने तीसरे शतक 2 बार छक्के लगाकर पूरे किए। टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो रोहित शर्मा ने तीसरी बार छक्का लगाकर शतक पूरा किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने 61 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन पुजारा अपनी इस पारी से संतुष्ट नहीं है और मैच के बाद इस भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि वो 5वें टेस्ट में शतक लगाना चाहते हैं।